खबरें खेल के मैदान से। बेल्जियम के साइकिल सवार ने टूर डी स्विस साइकिल रेस का पहला मरहला जीत लिया। स्विट्जरलैंड के साइकिल सवार स्टीफन ने और इंग्लैंड के साइकिल सवार एथन आइथर तीसरे नंबर पर रहे। टूर डी स्विस साइकिलिंग रेस के दिलचस्प मुकाबले स्विट्जरलैंड में जारी हैं। रेस का पहला मरहला वडूस से वडूस तक 4.8 किलोमीटर के फासले पर मोहित था, जिसको 33 साल बेल्जियम के साइकिल सवार यूएस लिम्पार्ट ने उम्दा साइकिलिंग का मजाहरा करते हुए पहली पोजीशन हासिल की। भारत की साबिक मरूफ टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने हज के लिए रवानगी का ऐलान कर दिया। सानिया मिर्जा ने आज सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि मैं हज पर जा रही हूँ और एक बेहतर इंसान के तौर पर वापस आने की उम्मीद रखती हूँ। सानिया मिर्जा ने अपनी रवानगी के हवाले से फिलहाल कुछ नहीं बताया। सोशल मीडिया पर लिखे गए पैगाम में सानिया मिर्जा ने तमाम लोगों से आजसी के साथ अपनी किसी भी गलती और कोताही के लिए माफ़ी तलब की है। भारत से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच हारने के बाद कौमी टीम आज कमज़ोर कनाडा के खिलाफ जोर आजमाएगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। अमरीका और भारत से शिकस्त के बाद कौमी टीम की सुपर 8 मरहले में रसाई मुश्किल नज़र आती है। दो मैच हारने के बाद पाकिस्तान को अगले मरहले में पहुंचने के लिए अब दूसरी टीमों पर इन्हिसार करना होगा। पाकिस्तान को रसाई के लिए बकिया दो मैच जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी है।